चो पहला क्वेश्चन कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट ग्राम ऑफ सी एच फोर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 8 का पर मॉलिक्यूल ऑफ एट ग्राम ऑफ सी एच फोर एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इन जूल क्या होगा बच्चों अजीज नीड द एक्सप्रेशन फॉर मी गाइज हमारे को एवरेज का एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए एट ग्राम ऑफ सी एच फोर की हमारे पास एट ग्राम ऑफ सी एच फोर था उसमें वॉट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस अब पीछे बच्चे टर्न करके देख रहे हैं फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई ये फॉर्मूला याद करके आना था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है पर मॉलिक्यूल पर मोल पर मॉलिक्यूल थ्री बाय टू के बी टी याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों कितने बच्चों को एवरेज थ्री बाय टू आर टी पर मोलिक्यूल इज थ्री बाय टू आर टी बाय एन और आर बाय एन एर को हम क्या लिखते हैं के बीच तो यार आठ ग्राम तो हमारे किसी काम का ही ना है के भी कॉन्स्टेंट है बोल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज टी इज़ ए टेम्परेचर इन कैलविन क्वेश्चन हो गया खतम हाँ टेम्परेचर को केल्विन में उठा लेना बच्चों गाइस कुछ समझ में आया या नहीं आया बोलो क्लियर हो गया गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द टेम्परेचर एट विच एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ

वट इज द टेम्परेचर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों फिर स्क्रॉल करके देख रहे हो क्या मतलब पेज से क्लिप करके एट आर डी बाई पाए तो हम कहेंगे सी एट टेम्परेचर टी टू बाय सी एड टेम्परेचर टी वन गैस हमने सेम ले रखी है कुछ बोल रखा है कहीं गैस चेंज करी हमने गैस सेम। मतलब क्या मास इस सेम इसको मैं ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ टी टू टी वन। आए ना अब टी वन हमारे को कितना दे रखा है सेवनटीन डिग्री सेल्सियस विच इज हाउ मच टू नाइनटी का एल्विन टू नाइनटी का पे जो हमारी स्पीड है उसकी डबल स्पीड है टी टू टेम्परेचर पे मतलब ये वैल्यू कितनी है बेटा टू टी वन हमें टू नाइनटी बताए टी टू लोगे नहीं निकालोगे लो समझ में आया नहीं आया और कितने बच्चों को ये चीज क्लियर होगी भाई बताओ नेक्स्ट फाइंड आर आर एम एस ऑफ ओ टू मोलिक्यूल एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस आर की वैल्यू में क्या है एट पॉइंट थ्री वन फोर होती है जूल पर मोल कैलवेन आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों अमेड़ा? रूट भी होता था एक काम करना जस्ट पुट इन द वैल्यूज वैल्यूज पुट कर दो थ्री आर डी बाई एम नॉट में जस्ट पुट इन द वैल्यूज कि मुझे पूरा यकीन है मैंने एक चीज बताई दी बच्चे भूल गए होंगे पुट इन द वैल्यू गाइस। डाला नहीं डाला दिखा ना बेटा सिर्फ एक चीज चेक करनी थी हाँ बेटा कर दिया गल गाइस मैंने लिखवाया भी था नहीं क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन आसान ही है ये मेड सम मिस्टेक आई मिस्टेक होने वाली है चेक करना एक बार जब थ्री आर डी बाय एम है या एम नॉट मैंने कुछ लिखवा रखा है शायद तुम्हें मौलिक मास के बारे में क्या लिखवा रखा है गाइस इंटू एन ए कहा से आ गया कौन ये कब लिखवा दिया मैंने इंटू एन ए मौलिक मास में मैंने कुछ बताया था बच्चों क्या बताया था तुम्हें जब फॉर्मूले लिखवा रहा था तो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें ऐसा तो हो नहीं सकता मैंने बताया ना मौलिक मास टू बी टेकन इन के जी ये याद है नहीं याद है बच्चों तो मुझे आया नहीं आया ये होगा आंसर इससे आंसर किसमें निकल के आएगा ध्यान से देखो गाइस आर की वैल्यू जूल वाली उठाई मास केजी में लिया तो हमारा जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी तुम्हें याद है के मीटर पर सेकंड क्लियर है बच्चों आइडिया था अगर तुम के मास के में लेते हो और आर जूल में लेते हो तो जो तुम्हारी स्पीड आएगी वो किस में आएगी मीटर पर सेकेंड में लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट करें बच्चों एवरेज स्पीड ऑफ सीओ टू एट Temperature T टी इज into 10 to the power फोर सेंटीमीटर पर second. Find टी बताओ बच्चों एक्सप्रेशन आसान है बताओ बच्चों गाइस प्लीज गड़बड़ मत करना हाँ बोलो क्लियर है क्वेश्चन क्लियर है या नहीं क्या करना है गढ़ बताओ बच्चों क्या हुआ चोड़ा, चोड़ा। हाँ बेटा बोलो आर और टी आर की वैल्यू भी डाल दो बेटा बाकी तो मुझे सही लग रहा है क्लियर हो गया गाइस नाइस nice. आगे चलते हैं बच्चों एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी या फिर प्योरली पोटेंशियल एनर्जी या फिर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या लेडस से नन ऑफ दीज बोलो बच्चो यहां पर लेडस घोड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वेन यू आर स्टार्टिंग विद आइडियल गैर आइडियल गैस में अट्रैक्शन क्या होती है बच्चों जीरो जीरो होती है अट्रैक्शन अगर अट्रैक्शन जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी याद है बच्चों दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन राइट तो डू यू रियलाइज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज गोना बी जीरो बिकॉज देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल सो एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक फाइन गैस एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कैलकुलेट टी एटवेच टी एवरेज ऑफ ओ डू इज इक्वल टू द ऑफ एच टू एट ट्वेंटी डिग्री सॉरी ट्वेंटी कैलविन एवरेज स्पीड ओटो की उतनी ही है जितनी हार्जन की होती है ट्वेंटी कैल्विन पे क्या करोगे बच्चों तुम ट्राइड आउट दोनों तरफ हमने एवरेज स्पीड उठा रखी है पहली चीज आए ना बच्चों समझ में आया या नहीं आया बच्चों गाय ये जो मैंने अभी किया है कितने बच्चों को समझ आ रहा है स्पीड दोनों की सेम है मतलब एक तरीके उनका रूट टी बाय एम सेम है इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी तुम रूट टी बाय एम दोनों का इक्वेट कर दो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों रूट टी बाय एम दोनों में इक्वेट कर दो या सिंपली टी बाय एम दोनों में इक्वेट कर दो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसे हम कहेंगे रूट टी बाय एम या टी बाय एम टी ऑफ ओ टू बायिका मास ऑफ ओ टू

एवरेज मॉलिक्यूलर या मोलर लेते हैं एवरेज मोलर काइडिक एनर्जी ऑफ सीओ एंड एन टू एट सेम टेम्परेचर क्या रिलेशन आने वाला है काइडिक एनर्जी ऑफ सीओ वर्सेस कार्डिक एनर्जी ऑफ एन टू ग्रेटर बताओ बच्चों क्या आने वाला है गाइस एवरेज मोलर कार्डिक एनर्जी ऑफ सी ओ एन एन टू एट सेम टेम्परेचर बोलो गाइस सीओ की कार्डिका एनजी ज्यादा होगी एन टू से या सी ओ की लेस होगी देन एन टू या इक्वल टू होगी एवरेज मोलर कार्डिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है व्हाट डू मीन बाय मोलर मोलर मतलब एक मोल की कार्डिक kind एनर्जी of क्या होती है एवरेज कार्डिक एनर्जी इट इज व्हाट बोलना बच्चों थ्री बाय डू आर टी और टेम्परेचर सेम दे रखा है तो डू यू रियलाइज कार्डिक एनर्जी इज गोना बी सेम फॉर बोथ गुड क्लियर हो गया बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है अब जो ले रहा हूं मैं हमें दो गैसेस दे रखी है टू गैसेस ए एंड बी और हमें दे रखा है टी ए बाय टी बी इज इक्वल टू एम ए बाय बी वेर एम ए एन एम बी आर द मोलिका मास आर मोलर मास ऑफ ए एंड बी गाइस यहां सही चल रहा है कोई दिक्कत किसी बच्चे को पहला क्या दोनों की डेंसिटी सेम होगी डेंसिटी सेम है यानी दोनों गैसेस की क्या फॉर्मूला लगाओगे गैस क्या फॉर्मूला लगाओगे डेंसिटी चेक करने के लिए वेपर डेंसिटी की बात नहीं कर रहा मैं डेंसिटी डेंसिटी कैसे निकालते हैं गैस मास बाय वॉल्यूम ठीक है आइडियल गैस में कैसे निकालते हैं क्या फॉर्मूला बनता है डेंसिटी की टर्म्स में डी सेम D. 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 होने के लिए क्या चीज सेम होनी चाहिए बच्चों हाँ है ना बच्चों और तुम कहोगे सर यहाँ पे देखो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है टी ए बाई टी बीजिकल टू एम ए बाई एमबी ना बच्चों क्लियर है गाइस तो क्या मैं यहां से कह सकता हूँ इसको मैं एक एक और फॉर्म में लिखता हूँ टी ए बाय एजिकल टू टी बी बाय एम बी हाँ है ना मतलब अगर मैं डेंसिटी दोनों गैसेस की देख रहा हूँ गैस ए एंड गैस बी की डू यू रियलाइज आर नॉट ये वाला पार्ट दोनों के लिए सेम है एम नॉट वाई आर डीज सेम फॉर बोथ द गैसेज आर तो कॉन्सटेंट ही था और अभी हमने देखा जो टी वाई एम की रेशियो है वो दोनों गैसेज के लिए सेम है करेक्ट टी वाई एम की रेशियो दोनों गैसेज के लिए सेम है लेकिन क्या तुम कह सकते हो डेंसिटी भी सेम होगी यार पी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी अगर पी सेम होता तो हमने कह दिया होता इनकी डेंसिटी सेम है प्रेशर के बारे में वी आर नॉट गिवन एन इंफॉर्मेशन वी कैनॉट कंक्लूड नेक्स्ट मतलब डेंसिटी सेम नहीं हमें नहीं पता इट कुड बी सेम इफ प्रेशर वाज सेम एंड सिंस प्रेशर के बारे में नथिंग इज गिवन टू अस वी कैन नॉट कंक्लूड क्या प्रेशर सेम होगा अभी हमने पढ़ा था प्रेशर कहीं तो नहीं बताना बच्चों हमें सेम है या नहीं है प्रेशर सेम कब होगा जो आई डेंसिटी सेम है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर मोल सेम है दोनों के लिए ए और बी के लिए काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या होता था काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है सी बाय टू आर डी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज सी बाय टू आर डी आर तो कांस्टेंट है क्या दोनों का टी सेम है दोनों गैसेस का, का टी सेम है क्या नहीं सेम आर नॉट स्पेसिफाइड टी इज सेम इनफेक्ट हमें बता रखा है टेंपरेचर अलग अलग है एक का टेंपरेचर टी ए है एक का टी भी है तो क्या ये सेम होगा ये भी सेम नहीं है क्या हमारा सी आर एम एस या यू आर एम एस सेम होगा इज दिस सेम ये क्या होता है बच्चों रूट थ्री आर डी बाई एम नॉट टी वाई एम रेशो अगर सेम है तो डिवाइज ये सेम आने वाला है आर इज अ कॉन्स्टेंट करेक्ट समझ में आया नहीं आया बच्चों क्योंकि दिस इज रूट सी आर डी अपॉन एम नॉट तो टी वाई एम नॉट की रेशो इज सेम सो दे आर सेम क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों गुड क्वेश्चन और लेते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन ए एंड बी बल इक्वल कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम सेम फिल्ड विद दे आर फील्ड विद टू डिफरेंट गैसेज बच्चोंट गैसेज एक में हमने भरा ही और दूसरे में भरा एसओ टू एट सेम टेम्परेचर वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम ठीक है बच्चों क्लियर है आ तक इफ इफ को मैं नीचे लिखता हूं वन सेकेंड बच्चों हाँ बेटा बोलो एफ पी सी वॉट इज रेशो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू गैसेस कैसे करोगे गाइस क्या करोगे ए में बी में एसोटू है प्रेशर सेम वॉल्यूम सेम सेम व्हाट द रेशो ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था हम कहेंगे तीन तीन फॉर्मूले थे एवरेज मोस्ट वेल आरएमएस हमें तो नहीं बता रखा कौन सा है आइडिया इज रेशो पूछी गई है गाइस

ऑफ ए बाय मॉल के हा है ना ये चीज बनेगी नहीं बनेगी गाइस ए वाज बेसिकली हीलियम एंड बी वाज एसओ टू इट और नॉट गाइस बताओ बच्चों शोड यू गॉट दैट इस तरीके निकालोगे टेम्परेचर तो सेम था नेक्स्ट At what temperature will velocity of SO two be half velocity of H E at twenty seven degrees Celsius? एच ई गा ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पे जो वेलासिटी है किस टेम्परेचर पे ऐसो उसकी हाफ होगी बच्चों समझ में आया नहीं आया क्या करोगे गाय बच्चों बताओ ये रेशियो क्या आ जाएगी ए वॉज ए वॉज हीलियम एंड बी वॉज एसओ मतलब ये वैल्यू क्या है बच्चों व्हाट इज दिस वैल्यू एसओ टू की जो स्पीड है दैट शुड बी हाफ देट ऑफ हीलियम समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों तो ये वैल्यू टू आ जाएगी नहीं आ जाएगी B की जो स्पीड है, टू की जो स्पीड है, है. मौलिक मासनो का ही पता है टेम्परेचर एसओ का निकालना है निकाल लोगे नहीं निकालोगे का नॉर्मल है अच्छा बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन हाउ Velocity be affected, affected if volume of B is four times of A. ये volume लिख देता हूँ, नहीं तो नहीं समझ आएगा. A volume of B फोर टाइम्स ऑफ ए क्या होगा बच्चों क्या हो जाएगा गाइस बोलो क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम वॉल्यूम को फोर टाइम्स कर देंगे देन व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी बोलो गाइस वेलोसिटी वाज हाँ ना अब वॉल्यूम चेंज करने से कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या बताओ बच्चो देर बी नो इफेक्ट वे वॉल्यूम इज टी बाम यहाँ पे हमें वॉल्यूम हमने डबल कर दी सॉरी फोर टाइम्स कर दी इसका मतलब प्रेशर तुम्हारा वन फोर्थ हो रहा होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हाँ ना बच्चों टेम्परेचर के बारे में तो नहीं कह रखे ना टेम्परेचर चेंज किया बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो चेंज इन वेलॉसिटी नो चेंज इन वेलॉसिटी इसी बैटर में एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इफ हाफ द मॉलिक्यूल आर रिमोट How will velocity be affected of remaining molecules be affected kya क्या होगा बच्चों guys बच्चे बोल ही नहीं रे बताओ बच्चों हाँ नहीं बेटा तुम रियलाइज करो आधे मॉलिक्यूल्स निकालने से बी नो इफेक्ट तुम फॉर्मुला देखो गाइस वेलोसिटी का सिंपल होता है रूट टी बाय एम टी इफेक्ट नहीं हो रहा मॉलिक्यूल मास इफेक्ट नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा मॉलिक्यूल मास हो तो तभी इफेक्ट होएगा जब तुम्हारा गैस चेंज करोगे हाँ ना हमने तो बस आधे मॉलिक्यूल निकाले देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी अगेन बी नो चेंज इन वॉस समझे नहीं समझेगा क्लियर है आ तक अब आते हैं नेक्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट मैक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड मैक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी सर लेकिन अगर उसके मॉलिक्यूल्स कम हुए तो ऐसा नहीं होगा कि उसका मास भी थोड़ा कम हो मॉली का मास ले रहे बेटा मास ऑफ गैस नहीं ले रहे मॉली के मास ऑफ गैस ले रहे दिस एम नॉट इज नॉट मास ऑफ गैस इट इज मॉली मास ऑफ गैस वो तो सेम रहेगा ना बेटा हाँ ओके नेक्स्ट पे आते हैं मैक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स हम देखना चाह रहे हैं कितने मॉलिक्यूल की कितनी कितनी स्पीड है ठीक है ना हर एक मॉलिक्यूल की सेम स्पीड नहीं होगी कुछ की ज्यादा होगी कुछ की कम होगी बहुत ज्यादा भी कम मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी बहुत कम भी बहुत कम मॉलिक्यूल की स्पीड होगी स्पीड वेरी लो या स्पीड वेरी हाई इट इज अ स्पीड पोजेस्ड बाय लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्लियर है बच्चों बहुत हाई स्पीड और बहुत कम स्पीड बहुत कम मॉलिक्यूल्स की होगी ओके गाइस क्लियर है यहाँ तक तो so, मैं पहले कुछ लिख दू समझ आ जाएगा ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप्स चेंजिंग ओके बच्चों, ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम स्पीड, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमने एक बनाया मैक्सवेल बोल्डमैन कर जिसमें हम y एक्सिस में क्या लेते हैं y एक्सिस में हम लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इधर हम लेते हैं स्पीड एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कर दैट यू गेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी वन कुछ समझे नहीं समझेगा इधर कर ज्यादा ही ऐसा चला गया गेटिंग द आइडिया ये दिस इज अ टेम्परेचर टी वन तो बच्चों देखो तुम्हें दिख रहा है बहुत कम स्पीड बहुत कम स्पीड बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है बहुत हाई स्पीड स्पीड एक्स एक्सिस पे है ना बच्चों, बहुत हाई स्पीड भी बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है समझ आया नहीं आया बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये है ये पॉइंट क्या बता रहा है बच्चों ये वाला पॉइंट इट इज चैलेंज मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है ना बच्चों उनकी स्पीड क्या है जो एक्स एक्सिस पे जहां पे टच कर रहा है समझ में आया नहीं आया दिस इज द स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यार ये टर्म तुमने कहीं सुन रखी है लास्ट क्लास में याद है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता था स्पीड पोजेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यार ये तो तुम्हारा सीएमपी है ये तुम्हारा क्या है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसका मतलब जो तुम्हारी एवरेज स्पीड तुम्हें याद है बच्चों मैंने बताया भी था तुम्हें ये चीज कि मोस्ट वेल्थ स्पीड इज सबसे कम उसके बाद कौन सी स्पीड आती है बच्चों एवरेज स्पीड याद है नहीं याद है तो दिस मस्ट बी समेर लाइक सी एवरेज क्लियर है बच्चों और जो तुम्हारा नेक्स्ट है कौन सा का है आर एम एस स्पीड वो ये होगी समझ आया नहीं आया एम पी इज वन जो कि तुम्हारा पीक पे है पीक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज योर मोस्ट योस्ट स्पीड ये हमारा हो गया सी एवरेज और ये हमारा हो गया सी आर एम एस समझे या नहीं समझे क्लियर हो गया हर एक बच्चे को वेरी नाइस अब तुमने देखा ज्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही है इनके इनके बीच में बहुत हाई स्पीड बहुत कम फ्रैक्शन की है बहुत लो स्पीड बहुत कम फ्रैक्शन की है क्लियर है बच्चों अब सपोजिंग तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से जो तुम्हारी स्पीड है उस पर क्या इफेक्ट आता है बच्चों स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती है तीनों ही बढ़ जाएंगी एवरेज आर एम एस सब बढ़ेगा कि टी बढ़ने में तुम्हारा रूट टी वाई एम होता है क्लियर है गाइस so, तो तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो कर गो सम लाइक दिस दो इफेक्ट पड़े एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गई दिख रहा है दिख रहा है बच्चों अब हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो चुकी है ये एवरेज क्या हो चुकी है ये आरएमएस क्या हो चुकी है स्पीड बढ़ गई हमारी एक चीज तुमने और ऑब्जर्व करी होगी कर राइट हो में शिफ्ट कर गया वो तुम्हें समझ में आ गया कर किसमें शिफ्ट कर गया राइट में बट डू यू रियलाइज और नॉट जो तुम्हारी पीक है वो कम हो गई है मतलब एक चीज में स्टेटमेंट की फॉर्म में समझे से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पीड डिक्रीज क्लियर हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि यहां पर ये था द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोजेसिंग मोस्ट प्रोवेबल स्पीड डिक्रीजेज दिस इज वॉट हैपन्स वेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम टी वन टू टी टू

Possessing very low, yeah, very high speed is very small. Dusra as temperature increases curve shifts right and yeah and give a shift that however the area under the curve रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये चीज मैंने अभी नहीं बताई तुम्हें अब बता दें क्लियर है गाइस कि पहले एरिया अंडर द कर क्या था पहले वाले में ये है या नहीं है बच्चा दिस द एरिया अंडर द कर फाइन अब एरिया अंडर द कर क्या है समझ तो आ नहीं आ बच्चों दोनों में एरिया अंडर द कर्व इज सेम कि जब तुम एरिया हाँ इट इज कांस्टेंट कि एरिया अंडर द कर्व का मतलब है सारा फ्रैक्शंस का सम समझ आ रहे नहीं आ रहे हाँ गा। है गाइस हां बेटा बोलो टेंपरेचर बढ़ाए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी हाँ सबकी स्पीड बढ़ गई ना सबकी स्पीड बढ़ गई रिलेटिवली हाँ, मैं क्या कह रहा बच्चो एरिया एंड द कव रिमेन सेम बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर तुम एरिया एंड द कवर देखोगे वो क्या आएगा बच्चों? इट विल गिव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो फिक्स्ड है इनसाइड अ कंटेनर समझ आ रहे नहीं आ रहा है बच्चों कई बार कई बार स्पीड की जगह हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं वी कैन टेक कनेडिक एनर्जी ऑल्सो कैनेडिक एनर्जी भी ले सकते हैं फर्क कुछ नहीं पड़ेगा गाइस क्यों क्योंकि तुम्हारा ये जो आएगा ये कौन सी क्नेडिक एनर्जी होगी बच्चों

डू हैव एनी डाउट वॉट एवर ऑनलाइन वाले बच्चों स्पीक आउट गैस समझ में आया नहीं आया ओके फाइन बच्चो अब आते हैं रियल गैस एनालिसिस पे रियल गैसेज आर दोज विच डू नॉट वी लाइक आइडियल गैस आइडियल गैस की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी अट्रैक्टिव फोर्स जीरो and size of molecules very very less than size of container real gas mein dono hi cheeze applicable nahi hai theek hai na guys uske liye aate hain hum van der wall equation pe van der wall equation हम कहते हैं normally ideal gas के लिए क्या होता है पी वी इक्वल टू एन आर डी हाँ ना बच्चों राइट यू हैव गॉट पी वी इक्वल टू NRT. अब दिक्कत क्या है बच्चों मैंने तो बताया था वॉल्यूम आइडियली क्या होना चाहिए वॉट वॉल्यूम आइडियल डू शुड बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ माइनस समथिंग माइनस क्यों करेंगे बच्चों हम क्योंकि कंटेनर में से वील मॉलिक्यूल हाँ ना बच्चो बोलो गाय चीज समझ आई नहीं आई दिस इज वी शुड हैव एज वॉल्यूम कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस दैट इज अ वॉल्यूम आइडियल का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम जो हमारा एक्चुअल आइडियल कंडीशन में हम क्या कह रहे होते हैं कि इट शुड बी द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस टू मूव हा ना बच्चों जो वी है वो हमारा एक्चुअली क्या होना चाहिए बच्चों ये होना चाहिए वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल टू मूव समझे या नहीं समझेगा सबसे पहले ये बताओ मुझे क्लियर है कोई डाउट नहीं ना मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं ये हमें यूज करना चाहिए लेकिन आइडियल गैस के लिए हम इस एक्स को इग्नोर कर देते हैं हाय ना बच्चों सर एक मिनट थोड़ा आपको स्कोल कर हाँ बेटा आइडियली द वॉल्यूम शुड बी कंटेनर माइनस समथिंग वो माइनस समथिंग हमने नहीं किया था आइडियल गैस के लिए ठीक है ना बच्चों एज ही प्रेशर पे आते हैं गैस कर लिया नोट बेटा ये भी नोट कर एक मिनट थोड़ा सा है हाँ बेटा ठीक है बेटा ये चीज तुम समझ गए कि जो वॉल्यूम है

वो आइडियल के कंपेरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं होते नहीं होते देर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन रियल गैस और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो उनकी वॉल से कोलाइड करने की टेंडेंसी कम होगी या ज्यादा होगी अगर मॉलिज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो उनकी वॉल में जाके टक्कर मारने की टेंडेंसी कम होगी मतलब डू यू रियलाइज प्रेशर रियल रियल गैस के लिए जो प्रेशर है दैट इज लेस देन इन आइडियल ना बच्चों क्लियर है रियल गैस का जो प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन द प्रेशर फॉर आइडियल गैस कोई डाउट यहां तक गुड रियल गैस का प्रेशर विल बी लेस एज कम्पेयर टू आइडियल गैस कि मॉलिक्यूल अंदर ही अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उनकी वॉल से टक्कर मारने की टेंडेंसी कम हो गई तो हमें रियल गैस में कुछ ऐड नहीं करना चाहिए टू गेट द आइडियल गैस के लिए प्रेशर हाँ है ना बच्चों फिर से बता रहा हूं मैं दो चीजें ये जो पीवी को लो NRD है ये किस लिए होता है बच्चों फॉर्मूला वैलिड है आइडियल कंडीशंस के लिए ठीक है ना मतलब प्रेशर आइडियल वॉल्यूम आइडियल शुड बी इक्वल टू एन आर टी ठीक है ना बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई क्लियर हो गया पी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल कंडीशन में अब आइडियल ही हमारा जो कंटेनर का अगर वॉल्यूम आइडियल चाहिए तो इट शुड बी कंटेनर माइनस समथिंग

मतलब वाई है अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द गैस क्लियर है बच्चों वाई हमें एक तरीके बता रहा है वाई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे इनसाइड द गैस मॉल बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल क्लियर है बच्चों और सिमिलरली एक्स क्या बता रहा होगा वाइट टॉक्स अबाउट अट्रैक्टिव फोर्सिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एक्चुअल टेल एस समथिंग अबाउट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का साइज उतना हमारा वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा समझ आ रहा नहीं आ रहे बच्चों गेटिंग द आइडिया नॉट सपोजिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत छोटा है तो हम वॉल्यूम आइडियल को कंटेनर के बराबर ही कर देते हैं अगर साइज बड़ा है मॉलिक्यूल्स का तो यू कैनोट से देन यू कैनोट से कि तुम्हारा कंटेनर को तुम आइडियल मान लो ठीक है ना अगर मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है तो हाउ कैन यू इग्नोर द मास ऑफ या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल्स यू कैन नॉट इग्नोर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल्स अगर हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो यहां पे मैं लिख देता हूँ बेटर फील आएगी वाई टॉक्स अबाउट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एक्स टॉक्स अबाउट साइज साइज या रहते आई वुड से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल या फिर जिसको हम रिलेट कर सकते हैं किस से साइज ऑफ मॉलिक्यूल से

अगर रियल गैस है तो हमें वॉल्यूम में कुछ सब करना पड़ेगा प्रेशर में कुछ एड करना पड़ेगा सो देट यू कैन गैस इक्न टू अप्लाई गैस इक्वेजन तुम्हारे को प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रियल गैस का प्रेशर इज लेस दैट ऑफ़ आइडियल गैस ठीक है ना बच्चों? और वॉल्यूम में हमें कुछ सब करना पड़ेगा प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस से वॉल्यूम में कुछ सब करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं है अब क्या ऐड करते हैं क्या सब करते हैं वो बता देता हूं पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इजिकल टू एन आर ये है हमारा रियल गैस के लिए इक्वेशन समझ में आया नहीं आया बच्चों अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात किस कौन कर रहा है ए वॉल्यूम भाई गैस मॉलिक्यूल्स की बात कौन कर रहा है बी मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं इसको इधर ए बी ना लिख के मैं नीचे लिखता हूँ ए ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा ए ज्यादा होगा इंप्लाइज अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे बी ज्यादा होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा आ रहा है, नहीं आ रहे बच्चे क्लियर है ऊपर और जो मैंने ऊपर लिखा था ये उसी की बात हैं क्लियर है, है गुड इस इक्वेशन को ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वाली इसको बोलते हैं वैंडरवॉल वॉल इसको क्या बोलते हैं वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस तो हमारी जो a और एर बीज आर कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस फॉर अ गैस किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए a और बी की वैल्यू फिक्स्ड होगी ठीक है ना बच्चों? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते बट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस की गैस अगर हम चेंज करेंगे तो उसके लिए ए आर बी चेंज हो जाएगा ओ टू के लिए एरबी कुछ और होगा एन टू के लिए कुछ और होगा एनएससी के लिए कुछ और होगा, होगा. समझ आया नहीं आया बच्चों ए एन बी आर कॉन्स्टेंट फॉर अ गैस पर्टिकुलर गैस सो देस क्लियर है या बच्चो? so नहीं बच्चों दे आर डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ गैस दू टेक अब आते हैं यूनिट ऑफ ए एन बी Units of A and B बच्चों। Guys, A है हमारा, तुम्हें एक चीज देखो, देखो, ये जो है डू यू रियलाइज इसकी यूनिट प्रेशर वाली होनी चाहिए प्रेशर में प्रेशर तो एड करोगे ना गाइस डू यू रियलाइज ए एन स्क्र बाय स्क्वायर की यूनिट क्या होनी चाहिए प्रेशर वाली हाँ है ना तो एक ही यूनिट्स आएंगी एटमोसफियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर और बी की स्क्स आएंगे हमारी लीटर पर मोल ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एज गॉट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड एन बी एज यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्लियर है बच्चों समझ आया नहीं आया डाउट गुड ग्रेट ए बताता है अट्रैक्टिव फोर्सेस बी भी बताता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल तो मुझे बताओ सी एच फोर एन टू में सॉरी सी एच फोर और एच टू में ए ज्यादा किसका होगा सी एच फोर और एच टू में ए ज्यादा किसका होगा किसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं सी एच फोर में क्यों कौन से फोर्सेस की बात कर रहे हो In की बात करोगे एच टू और सी एच फोर में दे आर नॉन पोलर मोलिकूलिंग लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेस एंड देख मास ज्यादा किसमें होगा बच्चों मास ऑफ सी एच फोर ज्यादा है पहले मास पे मोलिका मास पे मोलिका मास सेम है तो सर्फेस एरिया तुम्हें याद होगा स्फेरिकल एंड ली सरफेस एरिया ये हमने करा था इस टाइप का कुछ गुड तो सी एच फोर का जो हमारा सरफेस मास uh, है दैट इज मोर देन एस टू तो ए ज्यादा किसका होगा सी एच फोर का ज्यादा होगा एस टू का कम होगा ठीक है बच्चों व्हाट अबाउट एन एस थ्री एंड एन टू ए एन सी का ज्यादा क्यों होगा देखो गायद अगर तुम इसमें सोचते अगर तुम इसको सोचते कि एनएससी में डायपोल नहीं है लंडन सोचते लंडन फोर्सेस को अगर तुम देखो तो एन में ज्यादा होंगे एनएससी में कम होंगे एन का मास ज्यादा है एनएससी का मास कम है लेकिन एनएससी में तो डायपोल डायपोल फोर्सेज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीम डायपोल हाँ है ना तो बी ज्यादा ए ज्यादा किसका आने वाला है एक्चुअली एनएससी का अगर दोनों में सिर्फ लंडन फोर्सेज होते हैं तो हम डेफिनेटली किसको कहते ज्यादा एन टू को लेकिन एनएस थ्री में तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगे ना एच एच बॉन्डिंग है तो दैट इज अ रीजन कि एन एस थ्री का एज मोर देन एन टू क्लियर है बच्चों गुड फाइन ओके तो अगर मैं बी कंपेयर करना चाहूं बी अभी हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस देखा था अब हम साइज कंपेयर करना चाह रहे हैं एस टू में ज्यादा किसका होगा बी बी की बात कर रहा हूं नॉट्रैक्टिव फोर्स साइज सी एच फोर का डेफिनेटली बी ज्यादा होगा भाई ज्यादा मास ज्यादा साइज आर हाँ एन टू और एन एस सी में ज्यादा किसका होगा एन टू का जस्ट गो एज पर मास बच्चों वी जस्ट गो एज पर मॉल के मास मास ज्यादा तो हमारा साइज बड़ा क्लियर है बच्चों एक्चुअली अगर उसकी डेफिनेशन में वैल्यू देखी जाए वो बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए वैसे क्या चाहिए और और बी में या ए में, ए में तो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे और बी से भी जस्ट गो एज पर मॉल के मास बी में हम सिर्फ मोल के मास देखते हैं मॉलिक मास एन का कितना है ट्वेंटी एट एन का कितना है सेवनटीन ओके ठीक है बेटा अब बी गाइस देखो एन बी इज टेलिंग अस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल है ना बच्चों मतलब बी शुड बी पर मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल को जैसा एन मोल्स के लिए हमने तुम ऊपर इक्वेजन देखो वी हैड वी माइनस मतलब बी शुड बी पर मोल हाँ ना, एन से तभी हमने मल्टीप्लाई किया है तो बी इज एक्चुअली नॉट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज फोर टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल समझे या नहीं समझे बच्चों बी इज दिस बी क्या है बच्चों

क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चे कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक जो मैंने अभी बताया इसमें बोलो गाय क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने भी बताया बताओ गुड अब गैस इज है हायर हायर का मतलब क्या है बच्चों अट्रैक्शन ज्यादा डू so यू लाइक like, जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा उनको लिक्विफाई करना आसान होगा गैस हैविंग हायर कैन बी लिक्विफाइड इजिली समझे नहीं समझे बच्चा गड टिकट वेंड ऑल इक्वेजन अगेन ठीक है बच्चों ये है हमारा और आइडियल गैस में क्या होता है पीवी को आइडियल में होता है पीवी को रियल में होता है ये गैस आइडियल का एक और आम काम कर सकते हैं एन को डिवाइड कर दो एन से डिवाइड कर दो वी हमारा यहां पे क्या था बच्चों वी वॉज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बाय एन एक तरीके हम कह सकते हैं वी इज द वॉल्यूम इन विच देर आर एन मोल ऑफ गैस पी वी एन आर टी में वी क्या बता रहा होता है तो हमारी वॉल्यूम इन विच वन मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट एनसे डिड कर दिया वी एम को क्या बोलते हैं मोलर वॉल्यूम By one mole of gas. ना बच्चो एक अंदर मेरे को आई थिंक आई शुड चेंज द स्टेटमेंट नहीं तो तुम कंफ्यूज होकर रहोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय के बजाय आई कैन से वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोल ऑफ गैस वुड बी बेटर आई टेक वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्लियर है, so, be है बच्चों दोनों स्टेटमेंट में फर्क समझ में आ रहा है यहां पे जो वी है दिस इज मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम

तो उनकी जो वॉल्यूम है इन टू फोर बी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे गुड तो क्या हमने कहा जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस के लिए हमने एक और क्या बना, दी? PVM RT. बना दी नहीं बना दी ऐसी क्या हमारा वेन्ड्रोल इक्वेशन में भी कुछ हो सकता है होता है बेटा वीएम माइनस बीज इक्वल टू आर टी ये बनेगा बच्चे कैसे बना गाइस इसको तो हमने वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को क्या लिख दिया वी एम स्क्वायर समझ आ रहा नहीं आ रहा चाहिए जो वी है ये क्या है हमारा वी एम इज वी बाय एन हाँ है ना तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां से हम यहां पे कैसे आए मैं ये बताना चाह रहा हूं तू मैं ये कह रहा हूं वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर लिख सकता हूं है ना बच्चों और इस एन से डिवाइड करो ये वी बाय एन माइनस बी बनेगा और वी बाय क्या होता है है समझ में आया या नहीं आया जो मैंने भी क्लियर हो गया हर एक बच्चे को कैसे कर रहे हैं हम हाउ वी आर डूइंग दैट हाउ वी कम फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस गाइस क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को गुड फाइन तो ये हमारी इक्वेशन क्या है ये है रियल गैस के लिए और ऊपर वाली जो ये राइट right साइड वाली है ये हमारी आइडियल गैस के लिए इट और नॉट गायस बच्चों V बा एन को हम क्या लिखते हैं मोलर वॉल्यूम गुड अब गाइस जो प्रेशर में हमने प्रेशर करेक्शन प्रेशर में हमने क्या चीज ऐड करी थी बच्चों बताओ ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर ऐड किया था या फिर हम इसको इसको ये भी लिखते हैं ए बाय वी एन स्क्वायर बोलते हैं वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन अब आते हैं वॉल्यूम करेक्शन पे वॉल्यूम करेक्शन हमारा क्या होता है बच्चों एन बी क्लियर है गाईस? इसको हम को वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमने कहा ये इक्वेशन तो बहुत खराब है कौन सी इक्वेशन ये वाली वैंड ऑल बेसिकली पी प्लस ए बाय वी एम स्क्वाइनस बी इजिकल टू आर टी मतलब पहले तुम्हें ए बताओ बी बताओ तब तुम करोगे देन यू कैन फाइंड आउट जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है तो हमने कहा इसका कोई आसान वर्जन चाहिए हमें इसका हमें क्या चाहिए आसान वर्जन जो हम आसानी से कर सके तो लोगों ने कहा आसान ये है पी वीवल टू एनआरटी यहाँ पे नहीं आ रहा बेसिकली हा पी वी टू एन आर पे नहीं आ रहा राइट देट इज प्रॉब्लम कि पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी ना प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम में कुछ सब करना पड़ेगा ये था हमारा आइडियल के लिए अब आइडियल है नहीं तो पी वी वैलिड प्रेशर में कुछ ऐड करोगे वॉल्यूम में कुछ सब करोगे हमने कहा जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसको एक वेरिएबल में फिक्स करना है हमने कहा काम करो ये था आइडियल के लिए है ना रियल के लिए कर दो पी वी को जेड एनआर ऑब्वियसली बात है जेड है ये ए और बी पे डिपेंड करेगा क्लियर है बच्चों ये जो जेड है किस पे डिपेंड करेगा ए और बी पे इस जेड को बोला गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है ए और बी पे समझ में आया नहीं आया बच्चों क्लियर है यहां तक मतलब जो हमारा ये इक्वेशन थी कौन सी वाली ये किसकी जगह आ रहा है ये आ रहा है इसकी जगह ये इसकी जगह इस इक्वेशन की जगह वी सिंपलीफाइड इट हमने उसे क्या लिख दिया पी इक्वल टू जेड टी ओ सॉरी वन सेकंड यहां पे भी एन आर टी आना था ठीक है बच्चों क्लियर है तक गुड और बाय चांस तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो पी वी एम इक्वल टू जेड से डिवाइड किया और कुछ नहीं कहा इसने एन को यहां ले गए समझ में आया नहीं आया बच्चों बताओ क्लियर हो गया तो पी वी एम इक्वल टू जेड आरट ये किसकी जगह आ गया ये आ गया इसकी जगह समझिया नहीं समझेगा sure मतलब इस इक्वेजन की जगह ये आ गया इसकी जगह ये आ गया समझ गए गाइस गुड और आइडियल है आइडियल में तो हमारा सिंपल है पी वी टू एनआरडी या पी वी एम इक्व टू आर टी पी वी टू एनआरडी पी वी एम इक्वल टू आर टी ठीक है ना गाइस आइडियल के लिए दो इक्वेशन है हमारे पास फिर से बता रहा हूं मैं क्योंकि यही चीजें इंपॉर्टेंट है आइडियल के लिए ये है रियल के लिए ये दो थी लेकिन इन दोनों की जगह हमने कहा ये बहुत गंदी इक्वेशन बन गया हम क्या करेंगे हम ये यूज करेंगे या तो ये या फिर सॉरी या फिर समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज़, कितने बच्चों को इसमें डाउट है जो मैंने भी बताया क्लियर है गुड, ग्रेट। तो मैंने कहा Z ने A और B, जो भी उसका कचरा था वो सारा Z में आ गया उठ के ठीक है ना बच्चों का मतलब क्या है रियल गैस आइडियल गैस अगर Z वन है जो आइडियल गैस की इक्वेजन होती थी समझ में आया नहीं आए बच्चे तो जेड इज वन फॉर आइडियल गैस एट ऑल कंडीशन ऑफ पी वी एन टी पी वी आर टी की कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर वॉल्यूम लो Z की क्यूल्यू वन होगी फॉर आइडियल गैस क्लियर है बच्चों गुड अब मैं एक चीज बताता हूं अज्यूम कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास रियल गैस है या पहले आइडियल लेते हैं पीवीएम आइडियल गैस है तो पीवीएम इक्वल टू आर टी होगा हाँ ना और रियल गैस के लिए क्या आएगा जेड आर टी हाँ है ना बच्चों अगर इन दोनों ही केसेस में रियल और आइडियल गैस दोनों में ही हम प्रेशर सेम रखें तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी आएगा नहीं आएगा ये डिवाइड कर दिया दिस बाय दिस दिस बाय दिस Z will be समझ so, में आया नहीं आया बच्चों प्रेशर में सेम मान के चल रहा हूं कि रियल गैस और आइडियल गैस के लिए मैंने प्रेशर सेम कर दिया रियल गैस और आइडियल गैस के लिए प्रेशर सेम कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा Z का तो गाय यहां पे देखो यहां से मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट समझाना चाह रहा हूं बिजली ये स्टेटमेंट याद कैसे करोगे मैं इसको डायरेक्टली भी बोल सकता था लेकिन यहां से समझ में आएगा गायज अगर z लेस देन वन है इसका मतलब क्या है बच्चों वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बायल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आइडियल गैस हा है ना कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? अगर z की वैल्यू लेस देन वन आ रही है तो मैं ये कह सकता हूं रियल गैस ने वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करी एज कंपेयर टू आइडियल गैस चीज समझ में आई नहीं आई बेटा गैस अगर हमारा अगर गैस हमारा रियल गैस बेसिकली आइडियल से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो डू यू रियलाइज इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे दैट इज वाई इज ऑक्यूपाइंग लेस वॉल्यूम देन आइडियल गैस हाँ ना मतलब अगर ये कंडीशन है तो डू यू रियलाइज और नॉट के फोर्सेज मस्ट बी वर्किंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल या फिर अट्रैक्टिव फोर्सिस डोमिनेट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ अगर जेड लेस देन बने तो क्या मैं कह सकता हूँ अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल तभी रियल गैस कम वॉल्यूम ऑफि बाय कर रहा है एज कंपेयर टू आइडियल गैस

अब मैं कह रहा हूं उसे कंप्रेस कर रहे हैं। गैस को कंप्रेस करना चाह रहे हैं हम गैस को दबाना चाह रहे हैं यार इसकी तो वॉल्यूम अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस है डोंट यू रियलाइज कंप्रेस करना आसान होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस रियल गैस को कंप्रेस करना आसान है क्योंकि उसमें ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेज है कम प्रेशर लगाने से तुम इजिली कंप्रेस कर जाओगे समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों तो हम ये भी कह सकते हैं रियल गैस

अगर Z हमारा ग्रेटर देन है तो हम क्या कहेंगे रियल गैस ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम देन आइडियल गैस आइडियल में अट्रैक्टिव कितने होते हैं जीरो और यहां पे रियल उससे भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इसका मतलब क्या है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होंगे ही नहीं इनफैक्ट रिपल्सिव फोर्सेस होंगे क्योंकि ये आइडियल से भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो यहां पे हम क्या कहते हैं अगर ग्रेटर देन वन है then repulsive forces dominate between gas मॉलिक्यूल समझे या नहीं समझेगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ अगर तुम्हारा रियल गैस आइडियल से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज रियल आइडियल से कम होंगे और आइडियल में तो जीरो है इसका मतलब यहां पे अट्रैक्टिव तो भूल जाओ तुम्हारे रिपल्सिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं समझ आया है नहीं आया क्लियर होगी ये चीज गुड अनदर थिंग इसे कंप्रेस करना आसान होगा या आइडियल गैस को हाँ इट इज लेस कंप्रेसिबल आइडियल गैस कि जब रिपल्सिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं हाउ डू कैन यू कंप्रेस इट मॉलिक्यूर तो दूर जाना चाह रहे हैं और हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस अब बच्चों जो मैंने चीज बताई ना तुम तो इतनी मेहनत करके वो बस क्रक्स याद करना है कि जब z लेस देन वन है तो ये होल ट्रू करेगा जब z ग्रेटर देन वन है तो ये होल ट्रू करेगा समझ तो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों क्लियर हुआ है, नहीं हुआ नहीं गाइस कोई डाउट किसी बच्चे को गुड मतलब z लेस देन 1 है तो तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट आएंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग एंड गैसेस मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस z ग्रेटर देन 1 रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग गैसेस लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस हाँ या ना बच्चों क्लियर हो गया हरे बच्चे को गुड जस्ट अ सेकंड गाइस यहां तक समझ गाइस अब मैंने तुम्हें तो बताया था Z जो है वो तुम्हारा A और B से ही मतलब A और B पे डिपेंडेंट है हाँ बच्चों A और B की जगह एक्सप्रेशन में जहां पे A और B आ रहा था उसकी जगह हमने क्या डाल दिया Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो लेट अस सी Z की डिपेंडेंस ऑन A एंड B A और B के ऊपर Z की डिपेंडेंस क्या है गाय को हम तीन में ब्रेक करने वाले हैं लो प्रेशर रीजन लो प्रेशर रीजन में हाउ इज दैट इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी तो गाइस देखो प्रेशर लो है मैं इसको है ना उसमें लिख रहा हूं वीएम के फॉर्म में लिख रहा हूं पी प्लस ए बाई वी एम, एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी ये होता ही नहीं होता है बच्चों वे एंड ऑल इक्वेजन जिसको हम ये भी बोल सकते हैं पी वी एम इक्वल टू जेड आर टी इक्वेशन सेम है है ना गुड अब हम क्या करेंगे लो प्रेशर प्रेशर की वैल्यू छोटी है छोटी है तो क्या मैं उसमें ये इग्नोर कर सकता हूं छोटी वैल्यू में अगर कुछ एड सब यू इग्नोर इट क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है विद रेस्पेक्ट टू पी नहीं करा जा सकता p खुद छोटा है जे 10 में एग्जांपल ले रहा हूं 10 में टू इग्नोर कर सकते हो नहीं कर सकते लेकिन थाउजेंड में टू इग्नोर हो सकता है हो जाएगा तो आइडिया इज यहां पे हम a बाय vm स्क्वायर को इग्नोर नहीं कर सकते अब लो प्रेशर तो वॉल्यूम तुम्हारा इन जनरल ज्यादा होगा प्रेशर लो है वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डू यू रियलाइज यहां पे मैं b को इग्नोर कर सकता हूं लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम ज्यादा तो वी एम माइनस बी को मैंने सिंपली क्या लिख दिया वी एम ठीक है ना बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ वी एम माइनस बी को हमने क्या कर दिया वी एम क्लियर है बच्चों मैं तो थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ पी वी एम बाय आर टी प्लस ए बाय आर डी वी एम इजिकल टू वन पहले मैंने ब्रैकेट को खोल दिया उसके बाद मैंने आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया समझ में आया नहीं आया बच्चों अब ये क्या था गाइस डू दिस पी वी एम बाय आर वाज जेड तो जेड इज नथिंग बट वन माइनस ए बाय ना बताओ बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं That is one minus a by RTB है, clear है? अरे एक बच्चे को, that is how dependent, that is dependent on a and b. B पे depend नहीं कर रहा है वो, a पे depend कर रहा है, किस region में? Low pressure region में, जब pressure कम है तो z is only dependent on a, it is not dependent on b बच्चों, clear हुआ है नहीं वह guys? Good. एक चीज और यहां से तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है z की वैल्यू लेस देन वन आएगी लो प्रेशर रीजन में z इज ए a r dvm तो इट इज गोइंग टू बी लेस देन वन तो क्या मैं कह सकता हूं लो प्रेशर रीजन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग एंड गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस समझ आया नहीं यार क्लियर हो गई ये चीज फिर जो बता रहा हूं z लेस देन 1 का मतलब है गैस इज मोर कम्प्रेसिबल आइडियल गैस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर तो एक तरीके लो प्रेशर रीजन के अंदर ये कंडीशन होती है होल्ड ट्रू कि लो प्रेशर रीजन में जो रियल गैस है दैट इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस और उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डॉमिनेटिंग क्लियर है बच्चों अब आते हैं हाई प्रेशर रीजन हाई प्रेशर रीजन का मतलब है प्रेशर की वैल्यू काफी ज्यादा है प्रेशर की वैल्यू काफी तो वॉल्यूम कम होगी वॉल्यूम वाली टर्म को इग्नोर नहीं कर पाओगे वहां पे जो बी टर्म है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड लेकिन प्रेशर आज जो टर्म है वो इग्नोर हो जाएगी तो ये बन जाएगा पी इंटू वी एम माइनस बी टू आर टी ये बनेगा पी इंटू वी एम माइनस बी इज टू आर टी क्लियर है बच्चों यहां से जेड आएगा वन प्लस पीवी बाय आर टी यहां से जेड क्या आ रहा है बेटा वन प्लस पीवी बाई आर टी

मैंने थोड़ा सा हाँ बेटा बच्चों पहले इंटरमीडिएट प्रेशर रीजन से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं तुम्हें ये जो मैंने अभी इक्वेजन बनाई ना इसका एक और एक्सप्रेशन बनता है इसका एक और एक्सप्रेशन बन सकता है क्या बच्चों हमारी इक्वेशन क्या थी पी इन टू वी एम माइनस बीजिकल टू आर टी ये था या नहीं था प्रेशर ज्यादा था इसलिए हमने ए वाई वी एम स्क्वायर को हटा दिया हाँ इग्नोर कर दिया ये इक्वेशन थी हमारी बच्चों हाँ है ना गुड तो अब क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ बच्चों P बाय आर टी इजल टू वन बाय वी एम माइनस बी ना। कर सकते हैं इसे वी एम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ ये क्या बन जाएगा दिस विल बिकम जेड तो जेड इज वी एम बाय वी एम माइनस बी ये इक्वेशन और ये ये दोनों ही हमारे किसके लिए है हाई प्रेशर रीजन के लिए क्लियर है गाइस ये दोनों ही एक्सप्रेशंस आर फॉर हाई प्रेशर रीजन तुम दोनों में ही देख सकते हो जेड की वैल्यू ग्रेटर वन आ रही है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा क्लियर है गाँग? ये इक्वेशन वन प्लस पी वायरटी और ये इक्वेशन वी एम बायम माइनस वी एम ये दोनों ही हमारा हाई प्रेशर रीजन के लिए है दोनों से ही जेड निकाला जा सकता है ठीक है गाइस अब आते हैं इंटरमीडिएट पी इंटरमीडिएट प्रेशर उसमें क्या होगा बच्चों ये है गाइस ये था हमारा एक काम करो पहले बी एम माइनस बी को उधर भेज दो क्या बनेगा आर डी बाई वी एम माइनस बी बनेगा बच्चों बनेगा गाइस गुड एक काम करो वी एम से दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो फाइन गाइस अब ये बनेगा ना बच्चों ये बन गया आओ ग आर डी से डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा पी वी एम बाय आर डी प्लस ए बाय आर डी वी एम इज इक्वल टू वी एम बाय वी एम माइनस पी बच्चों और ये क्या है दिस इज़ जेड तो जेड हमारा क्या बनेगा एम बाय वी एम माइनस बी माइनस ए बाय आर डी वी एम दट इज वॉड यू है ये हमारा एक्सप्रेशन ये जनरल एक्सप्रेशन है दर्नरल एक्सप्रेशन दट यूर गॉड क्लियर है बच्चों समझ रहे हैं आया या नहीं आया हाँ बेटा यहां पे इस स्टेप से, से डिवाइड किया है क्लियर है guys? तुम देख भी सकते हो इसमें क्या देख सकते हो इफ लो प्रेशर लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम ज्यादा है लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां पे तुम वीएम माइनस बी को वी एम ही लिख सकते हो है ना और जैसे इसको इग्नोर किया बी को ये वैल्यू क्या बन गई वन माइनस ए बाई आर डी वी एम आ गया हमारा एक्सप्रेशन जेड का जो लो प्रेशर वाला है क्लियर है बच्चों और बाई चांस तुम्हारे को दे रखा है हाई प्रेशर यू आर गिवन हाई प्रेशर बच्चों तो क्या करोगे गाइस हाई प्रेशर का मतलब वॉल्यूम कम बच्चों हाई प्रेशर को ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम तो. मतलब उसमें तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों जस्ट रिमेंबर दैट मतलब पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे दिस इज योर जर्नल एक्सप्रेशन एंड जो मैंने ऊपर बनाया था दैट वॉज स्पेसिफिक दिस वाज़ फॉर हाई प्रेशर एंड दिस वाज़ फॉर लो प्रेशर समझ में आया नहीं आया बच्चों गुड लेट मी मार्क दिस डाउन दिस वाज़ फॉर लो प्रेशर फाइन गाइस गड ग्रेट Rather, ओके okay, बच्चों एक और चीज यहां तक तुम समझ गए एक्सप्रेशन को तीन एक्सप्रेशन मैंने करवाए हैं रेदर चार हाई प्रेशर के लिए दो एक्सप्रेशन लो प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन और एक जेनरिक ठीक है ना बच्चों सिंपल याद रखो मैं कहता हूं फॉर लो प्रेशर लो प्रेशर में क्या इग्नोर करोगे बच्चों तुम लो प्रेशर है प्रेशर लो है ए और बी में से क्या इग्नोर करोगे यस बी yes. निग्लेक्ट होगा और जब हाई प्रेशर रीजन है ए निग्लेक्ट होगा क्लियर है बच्चों समझ आया नहीं आया इट गाइस गुड स्पेशल केस फॉर एस टू एंड एच ई एस एच ई पे आ जाते हैं डू यू रियलाइज इनमें कौन से फोर्सेज वर्क कर रहे होंगे डायपोल डायपोल या डायपोल डायपोल या लंडन नहीं एस यू और एच ई के बीच में नहीं कह रहा एस टू में और एच ई में कौन से फोर्सेज वर्क कर रहे होंगे डिस्पर्जन फोर्स डिस्पोजन फोर्सेज डिपेंड ऑन मास मास इनका बहुत कम है तो हम क्या कहते हैं बच्चों इन में ऑलवेज निग्लेक्टेड क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज आर नेग्लिजिबल बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर जिबल समझे या नहीं गाइस क्लियर हो गई ये चीज इनमें हम हमेशा ये इग्नोर करेंगे मतलब हम भी इग्नोर कभी करेंगे ही नहीं सिर्फ ए इग्नोर होगा और मतलब आइडिया हम क्या कह रहे हैं इज टेंडिंग जीरो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर हैंजिबल ठीक है बच्चों तो यहाँ पे इक्वेजन हमारी जेड की हमेशा क्या आएगी यहाँ पे हम चाहे लो प्रेशर रीजन हो हाई प्रेशर रीजन हो हम हमेशा ए इग्नोर करेंगे तो Z यहाँ पे हमेशा वन प्लस पी वी आई आर डी या वी एम बाई वी एम माइनस बी ही बनेगा क्लियर हुआ है क्लियर हो गया हर एक बच्चे को गॉड